ये क्या चीज है? कौन कौन? अरे ये इतना मीठा कैसे? कहीं ये शरबत तो नहीं? अभी बंद करता हूँ इसको। ओ भाई जरा इधर आना, ये पियो और बताओ इसका स्वाद कैसा है। हाजी साहब ये वन नंबर शरबत है। अच्छा ये ले जाओ और बच्चों को पिलाना। यानी मेरे ट्यूबवेल से शरबत आ रहा है, ये तो अजूबा हो गया। गांव वालों ये देखो मेरे ट्यूबवेल से शरबत आ रहा है। हाजी साहब आपके ट्यूबवेल से शरबत कैसे आ सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, बस ऊपर वाले का करम है मुझ पे। क्या हम शरबत भर सकते हैं बच्चों के लिए? हाँ ले जाओ, किसने रोका है? ये क्या ले जा रहे हो? कमदार आपको नहीं पता हाजी के ट्यूबवेल से शरबत आ रहा है। अच्छा जी। चंगेज खान। ट्यूबवेल से शरबत, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाजमोला ले आऊं चंगेज खान? नहीं, ये मुझे अपनी गुनहगार आंखों से देखना है। हाजी साहब आपके तो नसीब खुल गए। हाँ चंगेज खान, हज करने गया था, वहाँ दुआ मांगी कि अल्लाह किसी की खिदमत करने का मौका दे, और मौका मिल गया। वैसे इस ट्यूबवेल से आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं हाजी साहब। वो तो मुझे भी पता है, पर मैं फ्री में खिदमत करना चाहता हूँ। हर मदरसे हर गरीब इंसान तक ये शरबत पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। हाजी साहब आपके इरादे नेक हैं, लेकिन जब भी ट्यूबवेल बेचना हो तो हमें ज़रूर याद करना। जिस जमीन में ट्यूबवेल है उसकी कागजात हैं हाजी के पास? कागज तो हमारे पास गिरवी हैं चंगेज खान इस जमीन के। तो वक्त आ गया है इस जमीन पे कब्जा करने का। हा हा हा। ये क्या बदतमीजी है चंगेज खान? जबान को लगाम दो हाजी, ये जमीन अब मेरी है। ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? हाजी साहब आपने एक साल के लिए इनके पास जमीन के कागज गिरवी रखे थे और 20 लाख लिए थे। इन्होंने 5 साल तक आपसे एक रुपया भी नहीं मांगा। अब कानूनी तौर पर जमीन पर इनका हक है। अब ये जमीन चंगेज खान की है, जाओ सब। अल्लाह के अजाब से डरो, कब तक ऐसे गरीबों के हक खाते रहोगे? कमदार इस ट्यूबवेल से टैंकर भराओ और बड़ी बड़ी कंपनियों से डील करो। चंगेज खान आपकी सारी बकरियां और भैंसे मर गई। ऐसे कैसे मर सकती हैं? लगता है कोई बड़ी बीमारी आई है, कुछ भी नहीं बचा। चंगेज खान आपके सारे फसल तबाह हो गए। तबाह मतलब? चंगेज खान शायद इसको अल्लाह का अजाब कहते हैं। कोई बात नहीं, शरबत वाला ट्यूबवेल तो है मेरे पास, चलो शरबत निकालते हैं। हाँ इससे भी पानी आ रहा है।